और हम पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन पे, चलते लाल किले की तरफ। और हमारी मेट्रो आ चुकी है, इधर हाथ दे रहे हो साइड में। खाली रहते पीछे के डब्बों में लगा रहती रे। और ये है शाहजहां लाल किला, जो कि हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों का बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, यहाँ पर इस साइड में भी बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो यहाँ पर हम थोड़ा शूट वगैरह करते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ। और ये है उसकी दीवार, बहुत ही ऊंची दीवार है इसकी। और ये एंट्री गेट है अंदर जाने का, उतनी लंबी दीवार है उसकी, उधर से बहुत ही लंबी दीवार है और ऊंची भी बहुत है। और चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है लोगों का। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये उस ज़माने से अभी तक वैसे ही है। और क्राउड यहाँ पर देख रहे हो आप, बहुत। और ये गेट की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और ये कुछ इस तरीके से दिखता है अंदर से। और यहाँ पर ऊपर सब सिपाही वगैरह खड़े रहते थे, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। बहुत बड़ा यार ये। क्या बोल रहे हैं अंदर? लंबी टनल है एकदम, पता नहीं आपको कैसे लेते कुछ लेंगे ना, यहाँ से लेंगे ना भाई, लेंगे ना भाई। ये बहुत बड़ा रास्ता है अंदर जाने के लिए, अभी भी अंदर हम पूरी तरीके से नहीं पहुंचे हैं। शुरुआत में आपको 3 गेट मिलते हैं अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर बाज़ार, थोड़ा सा छोटा मोटा बाज़ार भी है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम है, पता नहीं कितना शूट हो पाएगा, जहाँ तक हो सकता है मैं उतना लूँगा। और जब से हम यहाँ पर अंदर एंट्री किए हैं, जब से यहाँ पर हमें 3 गेट मिले हैं बड़े वाले। और इस जो सामने देख रहे हैं, ये एक और एक गेट है, तो टोटल यहाँ पर 4 गेट आपको मिलेंगे। म्यूजियम का भी टिकट है अपना, वो टिकट लिए हुए हैं। अंकल को आवाज़ देना, अंकल अंकल, ओ सर अंकल, आवाज़ देना
सामने आपको जो दिख रहा है वो दीवाने आम है, जहाँ पर उस जमाने में बैठक हुआ करती थी कुछ कुछ चीज़ के ऊपर फैसला लेने के लिए, वो यहाँ पर लेते थे। ए व्हाट्सअप व्हाट्सअप बड़ा वाला वो तो ये है। ये दीवाने आम में का अंदर का नजारा है, जहाँ पर बादशाह बैठा करता था। वो साइड से वो आते थे और ये तख्त के ऊपर वो बैठते थे और फिर यहाँ से फैसला होता था। और ये जो दीवाने आमे की डिज़ाइनिंग है, ये पूरी लाल पत्थरों में ही बना हुआ है। ये पूरा लाल पत्थरों में बना हुआ है, इधर देख सकते हो आप। ये म्यूज़ियम में का नज़ारा है, उन्होंने उसमें बताया गया है कि उन्होंने कौन कौन सी जंगें लड़ी है, किस तरह से लड़ी है, कौन से हथियारों से लड़ी है, किसमें किसका साथ था किसका नहीं, तो इस पर सब यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। बहादुर शाह जफर की तलवार, ये पोशाक है पुराने जमाने की। सर्कस का तंबू, ये लहंगा लहंगा, ये लहंगा है क्या सर्कस का तंबू? और ये वो तीन बंदूकें हैं फिर हेरा फेरी में के, जो के यहाँ पर है। यहाँ पर आपको ये सब ऐसी हथियार देखने को मिलेंगे, और भी बहुत कुछ है यहाँ के म्यूजियम में। बस आपको ये हेरा फेरी ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है दीवाने खास, जहाँ पर खास लोगों को ही बुलाया जाता था। और जो बादशाह के करीब होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, वो यहाँ पर आते थे और उनकी खास बातें हुआ करती थी। और एक होता है दीवाने आम, जहाँ पर आम जनता के लिए उन्हें बुलाया जाता था। तो ये दो तरीके के होते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर है, इन लोगों ने इसे बंद करके रखा गया है, बंद रखा है। और आगे भी है कुछ, शायद मस्जिद है आगे, चलिए चलते आगे भी। आगे की तरफ भी ये मस्जिद है, पर इसके अंदर नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है ऊपर की तरफ। तो चलिए कहीं और चलते आगे की तरफ। मुमताज महल, मुमताज का महल है, मुमताज का महल, हाँ ये मुमताज महल है, मुमताज का महल है।
क्या शांति थी यार वो टाइम पे, खतरनाक भाई जी। फिर मुमताज तो जैसा कि मैंने आपको कहा था मेरे मोबाइल में 5% बैटरी है, फिर भी मेरे से जितना हुआ मैंने उतनी वीडियो लिया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो देखने मिला नहीं, क्योंकि इन लोगों ने उस सारे चीज़ों को बंद करके रखी है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इतना ही दिखा। फिर भी जो जो यहाँ पर मेन था मैंने वही वीडियो ली है, तो इससे भी अच्छी वीडियो आपको आगे देखने को मिलेंगी।